देखो मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ ये वीडियो बनाने के लिए, बट टेंशन मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। अब तमिल इंडस्ट्री से सूर्या की अपकमिंग फिल्म कंगुआ का ग्लिम्स आता है रात को 12 बजे। साला सारा कांड रात को ही होता है क्या? बट सूर्या अपनी जान है। मैं ये सोच रहा था कि रिसेंट टाइम में सूर्या की जितनी भी फिल्में जो थिएटर में आई वो चली ही नहीं, और जो चलने लायक फिल्म थे वो OTT पे आ गई, लाइक सुरारी पोत्रू एंड जय भीम। क्या ही नसीब रहेगा यार बेचारे का। लेकिन फिर एक कैमियो आता है विक्रम मूवी में। अच्छा विक्रम मूवी की बात ही देख लो, विजय सेतुपति, कमल हसन, फहद फाजिल पूरी पिक्चर में गांड रगड़ के इतनी प्योर एक्टिंग की है, इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ किए, लेकिन बंदे ने 2.5 घंटे की मेहनत पे पानी डाल दिया जब रोलेक्स का एक ही 5 मिनट का कैमियो आया, सबका काम ही खा गया, बर्बाद ही कर दिया भाई साहब। इवन रोलेक्स के कैमियो को ऑब्जर्व करो, उसके वजह से मार्शल का स्पीकर भी पॉपुलर हो गया था। एनीवेज चलो, अब मैं कंगुआ के ग्लिम्स को अगर एक लाइन में रिव्यू करूं तो मैं इतना ही कहूंगा कि अनएक्सपेक्टेड, फाड़ दिया यार। सिनेमाटोग्राफी, विजुअल्स देख लो वो ना भाई साहब, आंखों को बर्बाद कर दे। प्लस DSP का BGM तो यार आप रिपीट मोड पे देखे, ये जलवा है। एंड में जब सूर्य आता है भाई, गोटी उछल जाए, इस लेवल की आंखें देखती है। एंड आंखों में उसके जो पागलपन दिखता अपने कैरेक्टर को लेके, आय हाय हाय मजा आ गया यार। इसको बोलते रोंगटे खड़े नहीं करना, रोंगटे बड़े करना। दिस वॉज द बेस्ट ग्लिम्स आई हैड सीन दिस ईयर। चलो एक चीज अच्छा है कि ये फिल्म पैन इंडिया पे आ रही है, और कहा जा रहा है कि सूर्या का इस फिल्म में 5 रोल रहने वाला है। भाई साहब तमिल ही एकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर एक्टर्स अपने ही फिल्म में एक से ज्यादा रोल करते, कभी 3 रोल करते, कभी 5 रोल, कभी 10 रोल करते, लाइक चिया विक्रम, सूर्या, कमल हसन। आप देख लो अभी ऐसा लगेगा कि साला इनके पास बजट का तो कमी नहीं है। नहीं यार, इनकी कलाकारी इतनी ऊंची कि इनको जरूरत ही नहीं पड़ती, ये सब काम कर लेते, इतना पावर रहता है। लेकिन कंगुआ के ग्लिम्स को लेकर मैं एक चीज आपके सामने रखने वाला हूँ, इसके जो डायरेक्टर है शिवा भाई साहब, उनकी रिसेंट फिल्म मैंने देखी है और वो कतई डिसअपॉइंटेड नहीं, कचरा फिल्म थी वो, रजनीकांत की अनाटे, फिर विश्वासम, विवेगम, वो सब क्या फिल्म थी यार। वो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो डिसअपॉइंट कर देगा यार, क्योंकि बहुत ही रिस्क लग रहा है इसको लेके। बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो अपन ग्लिम्स देखते हैं कंगुआ का, उसमें 3 शॉट्स ऐसे दिखाए जो एक्चुअली में फिल्म में रह गए, बाकी जितने भी शॉट्स आपको देखने मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशली प्रोमो के लिए बनाए। मतलब यार मैं ये अंदाजा लगा रहा हूँ कि अगर ये लोगों ने सिर्फ प्रोमो के लिए इतना मेहनत किया रह सकता है ना, तो भाई साहब फिल्म को ये लोगों ने हल्के में लिया ही नहीं रहेगा, फिल्म बहुत ही ज़्यादा तबाही रहने ही वाले। वैसे भी 4 साल से स्क्रिप्टिंग चल रही है, 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, एंड ये लोग भी अपने फाइनल आउटपुट को लेके बार बार इतना जांच कर रहे हैं कि भाई साहब जब तक इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता ना, तब तक ये लोग पब्लिक के सामने लाएंगे नहीं। इसलिए अभी तक ये लोगों ने रिलीज भी प्लान नहीं किया एक्चुअल, तो ये लोग चाहते कि हम जितना बेस्ट दे सके उतना बेस्ट देंगे। एनीवेज इस फिल्म में हमें कैल्विन क्लेन भी देखने मिलेगी, हालांकि ग्लिम्स में तो दिशा का कोई अता पता नहीं था, बट उन्होंने अपने एयरपोर्ट वाली एक्टिंग से डेब्यू किया इस फिल्म में। तो अब देखते हैं यार कि उनकी एक्टिंग से क्या उम्मीद करना चाहिए। पता चला हम उम्मीद कर रहे हैं कैल्विन क्लेन और हमें देखने मिल जा रहा है रूपा। लेकिन इन्हीं के बीच में मैं आपके सामने एक और दमदार फिल्म की चर्चा रखना चाहता हूँ, जो कि खुद तमिल इंडस्ट्री से आ रही है, जो कि इसी काइंड ऑफ फिल्म है, लाइक कंगुआ जैसी फिल्म है, जिसका नाम है थंगलन। अब ये भी एक रियल स्टोरी बेस्ड फिल्म है जिसमें हमारे हीरो है चियान विक्रम, जिसको डायरेक्ट कर रहे पारंजित। अब इसका भी ग्लिम्स छोटा सा आया था बहुत टाइम पहले, एंड प्लीज जाकर वो देखना, द ट्रांसफॉर्मेशन यू विल सी, बाप रे बाप, ये एक ऐसी धमाकेदार सरप्राइज रहने वाली है जो हर एक ऑडियंस को लिटरली पसंद आएगी, मैं लिख के देता हूं। क्योंकि इसके जो डायरेक्टर है पारंजित, उनका क्राफ्ट हमेशा से मजबूत रहा है, वो डेप्थनेस जो आपको देखने मिलते हैं वो आप उनके फैन हो जाओगे। आप उनकी वो फिल्म देख लेना सरपटा परम्बरायन, पेरियारम पेरुमल, अरे भाई साहब जिस हिसाब से दोनों फिल्म में उसने कास्ट को लेकर इक्वलिटी इशू क्रिएट किया था, दिखाया था, That was simply outstanding. आप देखना आप दीवाने हो जाओगे। तो भाई साहब ये एक नंबर बवाल कोलैबोरेशन है पार रंजित एंड जीआर विक्रम का, जिसको हम देखने के लिए बहुत ही ज्यादा तरस रहे, क्योंकि ये बाजी मारने वाला प्रोजेक्ट है, हम खुद चाहते कि यार ये लोग वो सक्सेस डिजर्व करे। अब मैं आपको बता देता हूँ ना, ये दोनों फिल्म को लेकर एक बात ही रखना चाहता हूँ। देखो यार एक एक्टर क्या होता है, एक एक्टर वही होता है इसके बाद जिसको पूरी तरह से एक्टिंग आती हो, एंड अगर उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल जाए ना तो अपना कलेजा ठंडा हो जाता है। लेकिन अभी के टाइम पे यही दोनों एक्टर सूर्या एंड चिया विक्रम का जिस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पे हाल है, उनकी फिल्म में जिस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पे वर्क करती है, तो साला अपन निराश हो जाते हैं यार, क्योंकि ये लोग इस काइंड ऑफ एक्टर है जो ट्रूली डिजर्व करते बहुत कुछ। बट जिस हिसाब से उनकी फिल्में अभी के टाइम पे आई थिएटर में, उनके काम तो कमाल के रहे, लेकिन स्क्रिप्ट दमदार नहीं रहे थे,
ठीक है, लेकिन अब कंगुआ एंड थंगलन को लेके एक ये लगता है कि यार यहाँ पर काम के साथ साथ स्क्रिप्ट भी बवाल होने वाला है एंड हमें वो टाइम वापस देखने मिलने वाला है जहाँ पर ये लोग भी 100-200 करोड़ बाजी मारे। यार वो दिल से तमन्ना है कि यार ये चले। सो ओवरऑल थंगलन एंड कंगुआ एक बहुत ही बड़ा होप है तमिल इंडस्ट्री से। हालांकि बहुत सारी फिल्म आ रही है लेकिन वो आपको मालूम ही है, लियो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब वैसे ही चर्चे में है। लेकिन ये देखना, ये हिडन सरप्राइज होने वाले दोनों फिल्म और बहुत बड़ा धमाका मचाने वाला है, ये देख लेना आप लोग। वैसे भी मैंने चिया विक्रम की लास्ट फिल्म वो महान मैं तो 10 बार देख ले रहा हूँ, और रोलेक्स का कैमियो तो नहीं बोल के 100-150 बार देखा रहेगा मैंने, तो इतना एडिक्टिव काम रहता है ये लोगों का। सो ओवरऑल अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगले वीडियो में, बाय।